ज्योतिष शास्त्र में शनि देव का प्रमुख स्थान है। शनि देव न्याय के देव हैं, जो लोगों को उनके कर्म के हिसाब से फल देते हैं। भगवान शिव ने शनि देव को दंडाधिकारी बनाया था। यदि जातक की कुंडली में शनि देव उत्तम हो तो जातक को सभी सुखों की प्राप्ति होती है, वहीं अशुभ फलदायी हो तो जातक को अनेक तरह के कष्टों का सामना करना पड़ता है। शनि की महादशा 19 साल की होती है। शनि की महादशा सबसे लंबी महादशा मानी जाती है। शनि की महादशा के दौरान व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलता है। शनि की महादशा के साथ दहिया भी चलती है। इन दोनों स्थिति में व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि की महादशा के साथ यदि कुंडली में शनि की स्थिति ठीक न हो तो व्यक्ति को नौकरी व्यापार में असफलताएं मिलती हैं। मानसिक तनाव, पारिवारिक कलह, धन हानि, दुर्घटना जैसी परेशानियां सामने आती हैं। शनि की महादशा में शत्रु बढ़ जाते हैं, कोर्ट कचहरी में विवाद की स्थिति बन जाती है। इसलिए शनि महादशा और शनि की दहिया के समय व्यक्ति को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि इस महादशा से घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ धार्मिक और ज्योतिषी उपाय के जरिए इनके अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। इन उपायों को हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन इनके साथ ही व्यक्ति को अपनी दिनचर्या और व्यवहार में भी बदलाव की जरूरत होती है। कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से बचना चाहिए, वरना शनिदेव नाराज होकर अधिक अशुभ प्रभाव देते हैं। आइए जानते हैं शनि महादशा में क्या ना करें। शनि महादशा में आलस्य से बचें, सकारात्मक ऊर्जा के साथ कार्य क्षेत्र पर लगे रहें, परिश्रम के बाद ही सफलता मिलती है। शनि दशा में झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को भूल कर भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। गरीबों को परेशान न करें, गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। महादशा के दौरान घमंड करने से बचना चाहिए, गैर कानूनी काम करने से बचना चाहिए, देव अपराध करने से बचना चाहिए, नशा करने से बचना चाहिए। शनि महादशा के दौरान व्यक्ति को अपनी जीवन शैली को बहुत व्यवस्थित होकर जीना चाहिए। यदि आप आलस्य करते हैं, दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो शनिदेव आपको दंड देते हैं। आइए जानते हैं शनि महादशा के दौरान क्या उपाय करने चाहिए। शनि महादशा में क्या करें। भगवान शिव का जलाभिषेक करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें, हनुमान जी की पूजा करें, शनि का तेलाभिषेक करें, शनि देव के मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, पीपल के वृक्ष पर जलाभिषेक करें, पीपल के वृक्ष पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, गरीबों को सामर्थ्य के अनुसार दान दें, काली और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करें, अनाथालय में अन्न दान दें, नेत्रहीन स्कूल में खिचड़ी दान करें। शनि महादशा के दौरान व्यक्ति को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शनि व्यक्ति को भगवत भक्त बनाते हैं। शनि की महादशा के दौरान व्यक्ति को अपने पराई की पहचान होती है। आप शनि महादशा के दौरान भगवत उपाय कीजिए, सरल जीवन शैली रखिए, शनिदेव आप पर कृपा बनाएंगे, आपकी महादशा और दहिया बहुत अच्छे से गुजर जाएगी। आपको बता दें, इस समय मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है, वहीं कर्क और वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की दहिया चल रही है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पेज बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन। स्तुति।